क्वेश्चन नंबर टू है इफ़ लॉग थर्टी वन पॉइंट जीरो नाइन इज़ इक्वल टू वन पॉइंट जीरो आपके पास द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल मनटीसा में गिवन है मनटीसा आपके पास क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है दैट इज़ फोर नाइन टू सिक्स थ्री वन जीरो नाइन मीन थर्टी वन को आप uh, टेबल में देखेंगे जीरो में और नाइन का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास फोर नाइन टू सिक्स आ गया ये उसने कहा टेबल तो 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 आपने यूज़ नहीं करना ओके फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप इसका लॉग फाइंड करो 3.109 लिखें जी इसका मतलब फर्स्ट साइड से लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वहाँ पर ही मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वहाँ पर ही पॉइंट है इसका मतलब इसका करैक्टरस्टिक जीरो हो गया मनटीसा वो हमें गिवन है आप अपने टेबल में नहीं देखना मनटीसा हमारे पास फोर नाइन टू सिक्स है तो इट्स क्वाइट ईजी नाउ लॉग पहले आप करेक्टरस्टिक्स लिखें फिर आप डेसीमल लिखें और फिर आप मनटीसा को लिख दें नेक्स्ट में आपके पास थ्री वन ज़ीरो पॉइंट नाइन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड से जो थ्री है उसके बाद से पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कितने डिजिट्स हैं इसके और पॉइंट के में टू डिजिट हैं ये हमारा करैक्टर हो गया टू और मनटीसा में पता है वो हमने कैलकुलेट नहीं करना वो हमें गिवन है लॉग और पहले आप करेक्टर लिखेंगे और उसके बाद डेसीमल लिखेंगे और उसके बाद आप मनटीसा लिख देंगे थर्ड पार्ट है जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री वन ज़ीरो नाइन तो आप देखें आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इसमें दरम्या में कितने डिजिट हैं वन टू एंड थ्री तो करेक्टरिस्टिक क्या वो हमारा माइनस थ्री क्योंकि डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे और मनटीसा वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कहता है आपने वही यूज़ करना है फोर नाइन टू सिक्स कैसे लिखेंगे लॉग करैक्टरस्टिक पहले लिखेंगे और करेक्टरस्टिक के ऊपर नेगेटिव लिखेंगे साथ नहीं लिखते फिर डेसीमल लिखेंगे और साथ आप उसका मनटिसा लिख देंगे फोर्थ है आपके पास जीरो पॉइंट थ्री वन जीरो नाइन इसको आप कैसे लिखोगे इसके अंदर आप देखोगे तो वन डिजिट ही है इसका मतलब करैक्टरस्टिक नेगेटिव वन क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड पर और मनटीसा मनटीसा फिक्स है फोर नाइन टू सिक्स और उसके बाद लॉग आपने लिखना है और लॉग आपके पास क्या होगा पहले आपने करैक्टरिस्टिक लिखना है फिर आपने डेसीमल लगाना है और फिर आपने मनटिसा लिख देना इस तरह से आप लॉग फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द नंबर हुज़ कॉमन लॉग रिथम आर आप कहते हैं कि वो नंबर फाइंड करो जिसका लॉग ये है हम कहते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू बी द नंबर एक्स व नंबर था फिर साफ दे रखे एक्स का लॉग इसके इक्वल होना चाहिए ये उसने गिवन है इसमें आप देखें करैक्टरस्टिक कितना आप टेकिंग एंटी लॉग लॉग से एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बहुत साइड्स एंटी लॉग ले लेंगे बहुत साइड्स का लॉग और जो जो इसमें करेक्टरस्टिक अगर देखें तो वो थ्री है मनटीसा है जो आपके पास पॉइंट फाइव सिक्स टू वन लॉग और एंटी लॉग कैसे हो गया एक्स हो गया और इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ थ्री पॉइंट फाइव सिक्स टू वन अब आपने एंटी लॉग्रिथम वाले टेबल में इसमें इसको सर्च करना है किस को पॉइंट फाइव सिक्स को और टू और वन का डिफरेंस तो ये नीचे आपके पास आ गया टेबल दैट इज़ इक्वल टू थ्री सिक्स फोर एट और वन उसका जो है ना आपके पास डिफरेंस इसमें से वन वाले का डिफरेंस बिल्कुल जिस तरह लॉग रिथम टेबल में देखते हैं उसी तरह से आपने देखना है इसको जी तो हमारे पास दोनों को मिला के एड करने के बाद थ्री सिक्स फोर एट और प्लस वन का डिफरेंस था ऐड किया हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्स फोर नाइन अब इसमें हमने डेसिमल जो है ना वो पोजिशन ढूंढनी डेसिमल हमने लगाना है तो आपके पास वो हम कहाँ स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद कितना हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा जो जिस नंबर का हम एंटी लॉग ले रहे हैं ये एंटी लॉग ले रहे हैं इसमें ये डेसिमल से पहले नंबर है थ्री ये क्रैक्टरिस इतने डिजिट आपने मूव करना है जितना आपके पास जिसका एंटी लॉग ले रहे हैं उसमें थ्री है थ्री मूव करना है अगर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ यहाँ पर थ्री पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ से थ्री डिजिट हम यहाँ से थ्री डिजिट फर्स्ट नंबर के बाद से थ्री डिजिट हम काउंट करेंगे किस तरफ को राइट वर्ड को और वहाँ पर हम डेसीमल लगा देंगे दैट्स वन टू एंड थ्री हेयर इज दोजिशन और फिर हमने डेसीमल प्लेस कर दिया लेकिन राइट एक्सट्रीम पोजिशन पर हम डेसीमल को नहीं लिखते होते इसीलिए हम इसको यहाँ से मिट कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर वट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू कहता है कि आपने अननोन फाइंड करना है यहाँ पर जैसे आपके पास एल इज द अननोन इन दिस क्वेश्चन राइट इन राइटिंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे जो बेस है वो बेस लॉग की बेस जो है वो लॉग की जो बेस है वो बेस ही रहती है और दूसरी तरफ वाला जो आपके पास नंबर है वो एक्सपोनेंट के तो पर सामने आ जाता है और लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है इस तरह से आपके पास अब थ्री रेज पावर एल है एटी वन को हम क्या करेंगे उसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और एटी वन की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगी थ्री इन थ्री इन थ्री वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन एटी वन की जगह राइट डाउन कर देंगे एटी वन को हम ऐसे लिखें अब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इसको हम क्या लिखेंगे थ्री की पावर फोर दोनों तरफ सेम बेसिस हैं और नंबर इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बेसिस आर द सेम पावर विल बी इक्वल एल इज इक्वल टू फोर सेकेंड पार्ट है लॉग ए पेस ए सिक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ए की पावर जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव क्या होता है वन बाई टू हाफ होता है इज इक्ल टू सिक्स और वन बाय टू को हम रेडिकल शेप में लिख सकते हैं स्क्यर रूट ऑफ ए इज इक्ल टू सिक्स अब हमें ए की वैल्यू चाहिए ए के स्क्यर रूट की नहीं चाहिए तो टेकिंग स्केर ऑन द बोथ साइड्स बोथ साइड स्क्वेयर करने से इस तरफ स्क्वेयर कर लगे उस तरफ स्क्वायर और जो आपके पास स्क्वेयर रूट है कैंसिल हो जाएंगे ए आ गया और दूसरी तरफ सिक्स का स्क्वेयर क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स इस विल बी आवर आंसर थर्ड पार्ट है लॉग फाइव एन इज इक्वल टू टू इसको भी हम राइट इन द राइटिंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर आप इसको राइट डाउन करोगे फाइव बेस से बेस ही रहेगा और टू उसकी पावर में आ जाएगा एन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा दैट्स मीन एन इज़ इक्वल टू फाइव का स्क्वेयर फाइव स्क्वेयर क्या होता है ट्वेंटी फाइव एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इज आवर आंसर फोर्थ पार्ट है लॉग पावर टेन पावर पी इज़ इक्ल टू फोर्टी आपने इसको जो है ना उसके पी की वैल्यू फाइंड करनी है राइटिंग इन टू द लॉग फॉर्म इसको लॉग की फॉर्म के अंदर लिख लें लॉग की फॉर्म के अंदर जब लिखेंगे तो लॉग बेस जो टेन है वो टेन बेस हो जाएगा लॉग फोटी इज़ इक्वल टू पी पावर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती दैट्स मीन और लॉग फोटी जो है वो आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं वन पॉइंट सिक्स जीरो टू वन है और पी की वैल्यू वही आ गई आपके पास यही हमारा आंसर है